नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। संभल कोतवाली क्षेत्र आजाद रोड गुरुद्वारे के निकट शूज गोदाम में अज्ञात कारणों के कारण भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग और संभल SP यमुना प्रसाद ने भी आग बुझाने को लेकर मोर्चा संभाला है। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग एवं पुलिस ने बड़ी कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया है। और पूरा पुलिस और आम जनता सभी के सहयोग से इसे जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा रहा है। अभी सारिया पुलिस बल इसी में लगा हुआ है, जल्द से जल्द इसमें आग पर काबू पाया जाए। बाद में इनके कारणों का कैसे किसी भी जान माल का नुकसान है, जान का नुकसान नहीं है और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, और जो सामान है उसको भी निकाला जा रहा है। बाकी आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा रहा है। सर, जो आस पड़ोस है उनका भी खाली कराया जा रहा है? हाँ जी हाँ, बगल के दुकानों को भी खाली कराया गया है और प्रिकॉशनरी, और जल्दी से जल्दी इस पर कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कंट्रोल में रहे। ये थी संभल से हमारे संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।